हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट इंग्लिश। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है आर्गुमेंटेटिव एसे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये किस तरह से आपको फ़ायदा करने वाला है। तो हम लोग आगे जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको ऐसे वीडियोस और मिलती रहे और आप इन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आर्गुमेंटेटिव एसे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विवादपूर्ण निबंध। सो इसको लिखने का एक पैटर्न होता है और ये पैटर्न हम लोग जानेंगे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जानेंगे। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे निबंध जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में आते हैं, जैसे SSC हो गया, PSC हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, MBA का एग्ज़ाम आप ले लीजिए जिसमें GD आता है। तो स्कूल लेवल पे भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे ये अटेम्प्ट करते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो इसको लिखने का जो है प्लानिंग करना पड़ेगा आपको पहले। इसका एक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक पैटर्न। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम जो है आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। सो पहला जो पैराग्राफ होता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन, ओके? और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आएगा? जो टॉपिक है आपका उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ईजी टॉपिक लेती हूँ यहाँ पे, जैसे इस कंपटीशन रियली हेल्दी। तो इसको जो है, जैसे आपने इस लाइन को डिफाइन करना है अच्छी तरीके से, जो है समझाना है कि क्या इसका मतलब है। फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा इंट्रोडक्शन जो है आपका सब ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 लाइन्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। डोंट मेक योर इंट्रोडक्शन टू लॉन्गर, ओके? आप इंट्रोडक्शन में और क्या डाल सकते हैं, आप इसको समझा सकते हैं इस लाइन को, जैसे इसके कीवर्ड्स जो है, जैसे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, कंपटीशन का मतलब क्या है, गुड का मतलब क्या है, हेल्दी का मतलब क्या है। तो इन कीवर्ड्स को लेके आप जो है अपना इंट्रोडक्शन में ये आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है आजकल के दिन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन 5 to 6 लाइन्स आप याद रखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आपको कैची बनाने के लिए आप एक अच्छे कोट के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोट जो है आपका, कोई भी अच्छा कोट ले लीजिए, वो कोट जो है छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा कोट मत लीजिएगा क्योंकि आपको याद करने में भी मुश्किल होगा और वो जो है आपको पेन डाउन करने में भी एग्जाम टाइम में मुश्किल होता है। तो शॉर्ट सिंपल कोट्स आप क्या कर सकते हैं, अपना डायरी बना ले और उसमें जो है शॉर्ट एंड सिंपल कोट्स जो है वो अपने डायरी में लिख लें, ताकि जो है आप एग्जाम टाइम में या फिर कोई भी एग्जाम आप जब दे रहे हैं तो आप उन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया आपका इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए। और जो है आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो है अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं कि आप जो है एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा जिसका आंसर जो है आप खुद ही देंगे। ऑब्वियसली आपके पास जो ऑडियंस है आपको तब जवाब देने के लिए कोई नहीं होगा, तो आपका उसका आंसर जो है आपको खुद ही देना है। तो इस तरीके से जो है आपका इंट्रोडक्शन कैची हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप अपना एसे शुरू कर रहे हैं तब आपको ये मेंशन करना पड़ेगा वेदर यू आर फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। तो आपको ये क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं टॉपिक को या आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो ये क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा ये पॉइंट नोट करते हैं कि आपने मेंशन किया है कि नहीं क्लियरली कि आप वेदर फॉर में हैं या अगेंस्ट द मोशन है। सेकंड बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, जो सेकंड पैराग्राफ होता है एसे का। तो बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? जो सेकंड पैराग्राफ होगा और जो थर्ड पैराग्राफ होगा, आगे मैं बताऊंगी क्या करना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखने के लिए आप अगर फॉर में बोल रहे हैं, सपोज आपको लगता है कि हाँ कंपटीशन रियली अच्छा है आपके लिए, तो आपको जो है एटलीस्ट याद रखिएगा 3 रीज़न देने हैं सेकेंड पैराग्राफ में। और ये माइंड में रखिएगा कि आपके जो रीजंस है वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, आपको घुमा फिरा के एक ही जो रीज़न है बार बार नहीं बोलना है।
आपके 3 डिफरेंट रीजंस होना चाहिए और जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। आपको आप जो भी बोल रहे हैं, अगर फॉर द मोशन बोल रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, अगर अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हैं तो वो रीजंस आपके अगेंस्ट द मोशन को सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको एग्जांपल्स देने हैं, आपको इलस्ट्रेशंस देने हैं। नाउ एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस क्या हो सकते हैं, वो डेली बेसिस के भी हो सकते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, या तो आप कोई भी एग्जांपल सेलिब्रिटी या फिर वर्ल्ड वाइड एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्लेम है, आपका जो लॉजिक है, आपका जो रीजंस है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके ऐसे को जो है और स्ट्रांग बना देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शॉर्ट स्टोरी भी दे सकते हैं अपने से बना के, फिक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो जो याद रखिएगा ये चीज़, जो भी आप स्टोरी बना रहे हैं या फिर एग्जांपल्स देने, अगर वर्ल्ड वाइड एग्जांपल्स दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको रिसर्च करके रखना पड़ेगा पहले से। और अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टोरी भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा वर्ड लिमिट होता है ऐसे का, हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गई थी पहले, वर्ड लिमिट होता है मैक्सिमम 400 वर्ड्स या 500 वर्ड्स, अगर हाई लेवल के एग्जाम्स है तो 1000 वर्ड्स। तो आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखते हुए अपना जो है ऐसे लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी बना के दे सकते हैं जो आपके रीजंस को सपोर्ट करता हो। लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है लास्ट पैराग्राफ होगा आपके निबंध का और ऐसे का। तो आपको कंक्लूजन में भी शॉर्ट रखना है, कंक्लूजन हमेशा 3 to 4 लाइंस या मैक्सिमम 5 लाइंस का होना है। और कंक्लूजन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, रीस्टेट द बिगिनिंग, जो आपने पहले लिखा था उसी को आपको फिर से एक्सप्लेन करना है। और आप भी अगर फॉर में बोल रहे हैं तो फॉर का लॉजिक लगाइए, 2-3 लाइन में सपोर्ट कीजिए। आप कंक्लूजन में भी एक अच्छे कोट के साथ एंड कर सकते हैं जो पॉजिटिविटी लाएगा रीडर्स को, जो आपकी ऑडियंस है उसको, उनको जो है अच्छा लगेगा। तो आपको कंक्लूजन में ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, कंक्लूजन भी 3 to 4 लाइंस लिखना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है एग्जाम्स में आर्गुमेंटेटिव ऐसे, एंड जो है आपको ये फ़ायदा किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, हम कोई भी एग्जाम्पल उठा लेंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखने वाले हैं, या मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ, जो आपको प्रैक्टिकली ये समझाएगा कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है एग्जैक्टली और कैसे लिखना होता है। सो आपको लगभग एक आइडिया मिल ही गया होगा इस वीडियो से कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।